हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्यूटोरियल में हम लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, केमैप के थ्रू आप रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज करें, सिंप्लीफाई करेंगे। यानी इसको मिनिमाइज करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, केमैप का। केमैप को आपका कार्नफ मैप भी बोलते हैं। तो इसमें आपके डिफरेंट टाइप के केमैप इसमें यूज होते हैं। आपका 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है। तो सारी कंडीशन हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो पहले हम लोग केमैप को समझते हैं कि एक्चुअल में केमैप होता क्या है। तो केमैप इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन को एक सिस्टमैटिक वे में अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप यूज करते हैं केमैप। दूसरा आपका, या तो आप बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं केमैप के थ्रू, या दूसरा आपके पास है बुलियन, आपके रूल्स हैं, लॉ है, उनका यूज करके भी आप क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को। बट जो बेस्ट होता है आपका वो केमैप के थ्रू होगा। केमैप से क्या होगा, आपका एरर आने के चांसेस जो है बहुत कम होंगे। ये मिनिमम आपको क्या करेगा, एक्सप्रेशन को बहुत स्मॉल कर देगा। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ केमैप मेथड वी कैन फाइंड ऑल सिंपलेस्ट पीयूएस एंड एसओपी एक्सप्रेशन। आप पीयूएस प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन की बात करें या सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, दोनों एक्सप्रेशन को आप केमैप से इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप होंगे। जब भी आप केमैप की बात करेंगे तो इसके कुछ स्टेप हैं जिसमें मैंने कुछ राइटअप किए हैं। सबसे पहला, फर्स्ट वी फाइंड द केमैप एज पर द नंबर ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल आपके कितने हैं। मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, यहाँ पर फंक्शन लिखा और इसमें वेरिएबल आपके 2 है, तो तब आपको 2 वेरिएबल का ही केमैप क्रिएट करना है। और इसमें जब आपके 3 वेरिएबल हो जाएंगे तो आपका 2 वेरिएबल के लिए आपका ये बनेगा बॉक्स, 3 वेरिएबल के आपको बॉक्सेस में 3 वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इस टाइप से आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए 2 वेरिएबल है तो टोटल सेल जो बनेंगे आपके 2 की पावर 2, 3 वेरिएबल है 2 की पावर 3, तो टोटल सेल आपके 8 बनेंगे इसमें। ये अभी हम लोग जब वेरिएबल की बात करेंगे, जब आपके प्रॉपर केमैप की बात करेंगे 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, तो वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कितने सेल आपके बनेंगे टेबल। तो जब आप केमैप की बात करते हैं, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। टेबल के अंदर आप डेटा स्टोर करेंगे, उसके बाद आप उसको मिनिमाइज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, वी फाइंड द केमैप एज पर द नंबर ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले आप नंबर ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको केमैप को फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का आपका केमैप बनाना है, 2 वेरिएबल का बनाना है, 3 का बनाना है, 4 का बनाना है, या 5 का बनाना है। दूसरा, फाइंड द मैक्स टर्म एंड मिन टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन। उसके बाद आपको जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया होगा, मान लीजिए आपने कोई एक्सप्रेशन दिया है ए बी सी आपने लिखा है, और यहां पर आपने एक्सप्रेशन दिया है ए बी सी प्लस ए बी बार सी, इस टाइप से आपको दिया है, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है कि एक्सप्रेशन आपका क्या होगा। तो मिन टर्म है या मैक्स टर्म है वाली, अभी आपका मिन टर्म की कंडीशन चल रही है क्योंकि आपका सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ सम होगा तो वो मैक्स टर्म की आपकी कंडीशन बात करेगा, वो फाइंड आउट करना है। थर्ड स्टेप ये है, फिल सेल ऑफ के मैप एज अ एसओपी विद 1 फॉर मेन टर्म एंड 0 फॉर मैक्स टर्म। अगर आप इसे मेन टर्म की बात करें तो आप जो बॉक्स बनाएंगे उसके अंदर आपको 1-1 राइट अप करना है, जो जो आपका टर्म यहां पर दिया होगा उसकी जगह पे 1 राइट अप करना है। और अगर ये प्रोडक्ट ऑफ सम होता है तो उस केस में आप जो पेयरिंग करते हैं वो 0 की, उसकी जगह पे आपको क्या लिखना होता है, जो जो टर्म दिए होंगे उनकी जगह पे आपको 0 राइट अप करना है। तो प्रॉपर हम लोग तब देखेंगे इनको जब आपके एग्जांपल स्टार्ट होंगे, वहां पर आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, ये अभी केवल स्टेप है इसके। उसके बाद आप, वी क्रिएट अ रेक्टेंगुलर ग्रुप दैट कंटेन टोटल टर्म इन द पावर ऑफ। आप देखिए जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो आप ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुप आपका बन रहा है 4 का पेयर बन रहा है, 8 का पेयर बन रहा है, या 2 का पेयर बन रहा है, तो वो आप फाइंड आउट करेंगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बाद आपका वो सॉर्ट होगा। सॉर्ट करने के बाद लास्ट स्टेप होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप फाइंड द पीयूएस एंड एसओपी सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन जो होगा वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपके स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आपको केमैप फाइंड आउट करना है कि कितने वेरिएबल का आपका केमैप है। दूसरा, आपको मिन टर्म का है या मैक्स टर्म का वो देखेंगे। अगर मिन टर्म का होगा तो जो एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू दी होगी उसकी जगह पे 1 आएगा। मैक्स टर्म होगा तो जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी जगह पे आपका 0 वैल्यू आएगी। उसके बाद आप पेयरिंग करेंगे उसकी। पेयरिंग का मतलब रेक्टेंगल बॉक्स आप क्रिएट करके उसका पेयरिंग क्रिएट कर लेंगे, जिसमें आपके 2 भी, सबसे पहले आप मैक्सिमम पेयर बनाने की सोचिए जो मैक्सिमम वाला होगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका स्मॉलेस्ट आएगा। तो पहले 8 का पेयर बनाएंगे, फिर 4 का नहीं बनेगा तो आप 2 का पेयर उसमें क्रिएट करेंगे, और लास्ट आपका फिर ग्रुपिंग करके आप उसे सिंप्लीफाई कर देंगे पीओएस या सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये आपके थे केमैप की कंडीशन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे 3 वेरिएबल केमैप। 2 वेरिएबल आपका पूछता नहीं है पेपर में और आता भी नहीं है ज्यादा, तो हम लोग देखेंगे इसमें 3 वेरिएबल। देखिए आप टाइप्स ऑफ केमैप की बात करें तो टाइप्स में आपका 2 वेरिएबल भी होता है केमैप, 3 वेरिएबल केमैप भी है, 4 वेरिएबल केमैप भी है, और 5 वेरिएबल केमैप भी है।
तो ये सारे हम लोग देखेंगे, इसमें हम ये तीनों देखेंगे, 3, 4 और 5 वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल आपका पूछा जाता जाता है नहीं, तो 3, 4 और 5 वेरिएबल की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग 3 वेरिएबल ही के मैप की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।